सुप्रभात छात्रों, RCI एजुकेशन हब बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय संस्कृतम, टॉपिक है बेटा आज हमारा शब्द रूप प्रकरणम, यानी आज हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण में शब्द तीन प्रकार के होते हैं, संस्कृत व्याकरण में शब्द कितने प्रकार के होते हैं बेटा? तीन प्रकार के होते हैं। पहला है नाम, दूसरा है धातु और तीसरा है अव्यय। तीसरा क्या है? अव्यय। ठीक है, संस्कृत व्याकरण में शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला है नाम, दूसरा है धातु और तीसरा है अव्यय। अब देखो बेटा, सबसे पहले आता है नाम। नाम के तीन भेद होते हैं। नाम के कितने भेद होते हैं बेटा? तीन भेद होते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम और तीसरा है विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है। इसके बाद आता है संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला है एकवचन, दूसरा है द्विवचन और तीसरा है बहुवचन। ठीक है बेटा, संस्कृत में वचन भी कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखो बेटा, एकवचन किसे कहते हैं, द्विवचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं? तो एकवचन जिसमें एक यानी कि एक का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एकवचन कहते हैं। द्विवचन जिसमें दो का बोध हो, यानी कि जैसे कि दो बालक, ठीक है, यहाँ एकवचन में जैसे कि एक बालक, ठीक है, और तो एकवचन, और जैसे दो बालक, ठीक है, तो द्विवचन, और दो से अधिक जैसे तीन बालक, अनेक बालक, ये किस में आ जाएगा? बहुवचन में। ठीक है बेटा, अब अगला है हमारा संस्कृत में लिंग भी तीन होते हैं। संस्कृत में लिंग भी कितने होते हैं? तीन होते हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग और तीसरा है
नपुंसक लिंग। तीसरा है नपुंसक लिंग, ठीक है। संस्कृत में लिंग भी कितने होते हैं? तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। ये लिंग बेटा इस प्रकार से लिखोगे वो भी सही है, इस प्रकार से लिखोगे वो भी सही है, ठीक है। अब देखो पुल्लिंग, पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और नपुंसक लिंग, जैसे कि हमारी ये यानी कि ये लता हो गई, ठीक है ना, ये यानी कि जिसमें नए पुल्लिंग का और नए स्त्री का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग, ठीक है। इसके बाद आता है संज्ञा शब्द। ये नाम के तीन भेद में सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द, अब सबसे पहले संज्ञा शब्द की क्या आती है? परिभाषा। तो परिभाषा लिखो, जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण भाव जाति का बोध कराते हैं, उन्हें संज्ञा शब्द कहते हैं, उन्हें संज्ञा शब्द कहते हैं। यथा जैसे, यथा का अर्थ क्या है? जैसे, जैसे राम पुस्तक, राम पुस्तक जयपुर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर राम, यहाँ पर देखो किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है, पुस्तक किसी वस्तु का बोध हो रहा है, और जयपुर किसी स्थान का बोध हो रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा शब्द कहते हैं। अब देखो बेटा, संस्कृत में संज्ञा शब्द के दो प्रकार होते हैं, संस्कृत में संज्ञा शब्द के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला है अजंत, ठीक है। पहला कौन सा है? अजंत। जिन शब्दों के अंत में स्वर, जिन शब्दों के अंत में क्या हो? स्वर हो। जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है उन्हें अजंत कहते हैं, उन्हें अजंत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में क्या हो? स्वर हो,
ठीक है ना, जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है उन्हें अजंत कहते हैं। ठीक है, यथा जैसे राम कोमा रवि साधु वधु, राम रवि साधु वधु आदि। अब देखो बेटा, राम रवि साधु वधु आदि ये शब्द हैं। अब देखो इनके अंतिम वर्ण में, राम के अंतिम वर्ण क्या है, मैं में क्या है ए, रवि के अंतिम वर्ण क्या है वी, वी में क्या है ई, साधु का अंतिम वर्ण क्या है धू, धू में क्या है ऊ, और वधु का अंतिम वर्ण क्या है धू, और धू में क्या है बड़ा ऊ। ठीक है, इस प्रकार से इनमें इनमें ए कोमा ई कोमा ऊ बड़ा ऊ, ए ई ऊ और बड़ा ऊ स्वर अंत में है अतः ये अजंत है, अंत में है, अतः ये अजंत है, अतः ये अजंत है। ठीक है, इसके बाद आता है हलंत, इसके बाद आता है हलंत। जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है, व्यंजन होता है उन्हें हलंत कहते हैं, हलंत कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है उन्हें क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। यथा जैसे वणिज राजन मरुत आदि, यथा जैसे वणिज राजन मरुत आदि। ठीक है बेटा, जैसे वणिज राजन मरुत आदि। अब यहाँ पर देखो बेटा, वणिज का अंतिम वर्ण क्या है जय, जय के क्या लगा हुआ है हलंत, राजन का अंतिम वर्ण क्या है न, न के क्या लगा हुआ है हलंत, मरुत का अंतिम वर्ण क्या है तय, तय के क्या लगा हुआ है हलंत। इस प्रकार से ये शब्द और ये यानी कि हलंत वाला जो वर्ण होता है वो कैसा वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं यानी कि हलंत कहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसके आगे कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।